कमज़ोर तू नहीं तेरी सोच है, कमज़ोर तू नहीं है तेरे वक्त हैं, कमज़ोर तेरे वक्त नहीं सबसे बड़े तेरे मन हैं, क्योंकि मन में जो बैठा लेता है वही तो सबसे बड़ा बुजदिली होता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ भी लायक नहीं हैं, ऐसे अपने मन में विचार कर लिए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं भाई, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने मन को मजबूत बनाइए, आप अपने मन को ऊर्जावान बनाइए, आप अपने मन को ताकतवर बनाइए, जिससे आपके सर्व काम, जिससे आपके कोई कार्य ना रुक सकें, वही तो सक्षम है। ऐसे लोग अपने सक्षमता को बरकरार रखते हुए अपनी मंजिल को पाते हैं, अपने हौसले बुलंद रखते हैं, वो कभी कमज़ोर और बुजदिल नहीं हो सकते हैं। अपने विचार अच्छे रखिए, अपने ज्ञान को अपने अंदर उतारिए, जिससे आपकी आत्मा मजबूत हो सके। आपकी आत्मा बुजदिल नहीं है, क्योंकि ये संसार नश्वर है। यहाँ धन दौलत इज्जत ऐश्वर सब कुछ एक बार धराशायी हो जाएगी। ऐसे ही अपने मन में विचार रखिए तो फिर आप कमज़ोर क्यों हैं? जो लोग धनी हैं वो भी निर्धन हैं, जो लोग ज्ञानी हैं वो भी अज्ञान हैं, क्योंकि जो लोग अपनी परम शक्ति के ज्ञान को नहीं पा सकते हैं वो भी अज्ञान हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान होते हुए भी उन्होंने परमात्मा को नहीं पा पाया, वो भी अज्ञान हैं। वही तो असली बुजदिली हैं। इस संसार में कमाई तो सबने की है, लेकिन वो परम शक्ति ज्ञान की कमाई जिसके पास नहीं है वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, सबसे बड़े बुजदिली हैं, क्योंकि व्यर्थ की कमाई व्यर्थ के जंजाल में फंसे हुए, खुद फंसे और लोगों को फंसाए हुए हैं, वही तो यही मगन हैं। लेकिन नहीं, असली मगन तो वही है जो परमात्मा में ध्यान लगाए बैठा है। असली ज्ञानी वही है जिसने परम शक्ति का ध्यान पाया है। असली संत वही है जो एकांत को चुनता है। असली ध्यानी वही है जो सदा सदा परमात्मा में ध्यान जोड़े रहता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनंत, जो मन के मते चालता बह जाए कहीं अंत। जो अपने मन के मते जो चलते हैं, क्योंकि मन की इंद्रियां विपरीत हैं, वो आपको गलत दिशाओं में ले जाती हैं, गलत लक्षणों में फंसा देती हैं। अपने मन को हर समय सुंदरता बनाएं और निर्मल कीजिए, जिससे आपका मन कभी विचलित ना हो। अपनी आत्मा के कंट्रोल से चलिए, अपनी आत्मा के भेद से चलिए, अपने ज्ञान के भेद से चलिए, अपने गुरु के माध्यम से चलिए, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा, जिससे आपकी आत्मा का सदा सदा मोक्ष होगा। ये संसार के दंडल से निकल करके आप सदा सदा चक्रों में समाप्त होते हुए हमेशा परम शक्ति में लीन हो जाएंगे। इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी आप अगर बुजदिल रहे तो सबसे बड़े बेवकूफ कहलाए जाएंगे, क्योंकि यही तो सत्य है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, सत्य की विजय हमेशा होती है। हमेशा सत्य के वचनों पर अड़े रहें, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो सके। ध्यानी मरे ज्ञानी मरे, मर मर गए सही अंत, जो जो जगत में उत्पन्न हुआ बह गए कहीं अंत। इस संसार में सब बह जाते हैं, सब चले जाते हैं, ध्यानी हो या फिर ज्ञानी हो, या सिर्फ लालची हो या मोह वाला हो, सब संसार में धराशायी हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद में भी आप अगर अज्ञान रहे तो फिर तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर भी आप कमज़ोर रहे तो फिर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, कि आप जैसा संसार में संत, आप जैसा महंत कोई भी नहीं हो सकता है। आप हमेशा अच्छे विचार रखिए, अच्छे विचारों से सहमत रखिए, आपका कल्याण अवश्य होगा।
आप हमेशा निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे परम शक्ति ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति होती रहेगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।